हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियर स्टडीज। तो हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉट सिग्मा दे रखा है एन इज इक्वल टू वन से लेकर टेन तक टेन इनवर्स टू एन अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दोबारा फोर का वैल्यू निकालना है। देन हम लोग यहाँ पे सिंपल कर लेंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है वो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे वन दे रखा था, यहाँ पे भी वन आना चाहिए। तो इस वन को साइड करने के बाद हमें यहाँ पे वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दावर फोर मिलेगा, यानी कि वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दावर फोर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एन पे पावर फोर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देन यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस वन आ गया और हमारे सामने यहाँ पे क्या बच गया, एन स्क्वायर सॉरी एन बचा। तो यहाँ पे प्लस एन हो जाएगा एक और एक माइनस एन हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन हो जाएगा। ये वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर फोर का वैल्यू है। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ से कॉट सिग्मा दे रखा है हमें यहाँ पे, तो सिग्मा का भी इसी अच्छा कॉट का और सिग्मा का यूज यहाँ पे बाद में कर लेंगे। तो सिग्मा का यूज यहाँ पे शिफ्ट कर लेते, नहीं तो एन इज इक्वल टू वन टू टेन दे रखा है। अब टेन इनवर्स है अंदर में, तो टेन इनवर्स लिख लेंगे। अब टू एन ऊपर दे रखा है तो टू एन, अब वन को अलग किया था तो वन को लिख लेते हैं। एंड ये जो टोटली टर्म बचा था वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दी पावर फोर, उस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन लिख लेंगे। देन हमारे सामने यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अब, हाँ इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया अगर हम लोग इस वाले टर्म को x एज्यूम करते हैं एंड इस टर्म को y, तो यहाँ पे x माइनस वाई करने पे हमें टू एन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि x माइनस वाई करेंगे तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टू एन यहाँ पे हमें सिंपल सा मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टेन इनवर्स, अब एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन दे रखा है तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन लिख लेंगे। अब इस वाले फॉर्मूला को मैंने इस चीज को इस टर्म में लिख लिया। अब एन का वैल्यू वन से लेकर टेन तक दे रखा था तो वो सिग्मा भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते, तो आगे सिग्मा लगा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा एन इज इक्वल टू वन टू टेन। सिग्मा लगाने पे ये वैल्यू हमें दे देगा टेन इनवर्स, अगर वन देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री यहाँ पे माइनस है, फिर अगर यहाँ पे वन पुट करते हैं तो वन वन तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ वन देगा। एंड यहाँ फिर सिर्फ फिर टू पुट करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स, टू पुट करने पर हमारे सामने आ जाएगा टू 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 इंटू टू फोर, फोर टू सिक्स सेवन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर टू पुट करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा टेन इनवर्स फोर हो गया, और यहाँ पे फोर एक फाइव, फाइव माइनस टू हो गया थ्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस हर बार कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। देन अगर हम लोग एन का वैल्यू टेन पुट करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा टेन इनवर्स, टेन पुट करने पर आ जाएगा वन हंड्रेड इलेवन माइनस टेन इनवर्स, इधर अगर टेन पुट करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा हंड्रेड हंड्रेड एंड वन एंड नाइन्टी वन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे सामने दे रखा है टेन इनवर्स वन। देन हमें यहाँ पे बच जाएगा टेन इनवर्स वन कैंसिल होने के बाद ये नाइन्टी वन कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर हमारे सामने टेन में जाओ तो बचेगा हमारे सामने टेन इनवर्स वन हंड्रेड इलेवन माइनस टेन इनवर्स वन हमारे सामने यहाँ पे बच जाएगा। देन फिर से हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये फार्मूला यूज करके हमारे सामने आ जाएगा टेन इनवर्स 111 माइनस वन अपॉन वन प्लस 111 इंटू वन आ जाएगा। तो टेन इनवर्स 111 माइनस वन हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 112। देन हमें यहाँ पे कॉट के टर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको उलट देंगे, यानी कि कॉट इनवर्स 112 अपॉन 110 आ जाएगा, और आगे हमें कॉट दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट। अब ये हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 112 अपॉन 110 यानी कि 56 अपॉन 55 हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक से जुड़ करें। तब तक के लिए गुड बाय।